योगी आदित्यनाथ के चर्चे देश से बाहर अब पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बौखलाया हुआ है। मशहूर अखबार द डॉन ने लिखा कि भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य का सीएम एक मुस्लिम विरोधी शख्स को चुना गया है। दूसरे अखबार द नेशन ने लिखा कि यूपी की अगुवाई के लिए मोदी की पसंद मुस्लिम विरोधी नेता हैं। 20% मुस्लिम आबादी वाले राज्य में शासन करने के लिए एक कट्टर हिंदू और मुस्लिम विरोधी शख्स को चुना गया है। द नेशन ने आगे लिखा कि योगी पर दंगा भड़काने के मामले दर्ज हैं। एक और अखबार द न्यूज ने लिखा कि जाति और धर्म में बटे यूपी में योगी को सीएम बनाने के फैसले से कई लोग सकते में हैं। योगी आदित्यनाथ भारत में आतंकवाद के खात्मे के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की नीति का समर्थन करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के न्यूज चैनल न्यूज 6 ने योगी के सीएम बनने के बाद ब्रेकिंग न्यूज चलाई और दर्शकों को बताया कि भारत के पीएम मोदी ने उस योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनाया है जिसने बॉलीवुड के सितारे शाहरुख खान को पाकिस्तान जाने की सलाह दी थी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की भी नज़र योगी पर थी। उसने लिखा कि मुस्लिम विरोधी विचार फैलाने के आरोपी योगी को यूपी का सीएम चुनने का फैसला राजनीतिक समीक्षकों के लिए चौंकाने वाला है। वेबसाइट पर आदित्यनाथ की हिंदू राष्ट्र और राम मंदिर के बारे में विचारों का भी ब्यौरा है। कतर के अल जजीरा ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले स्टेट का सीएम उस विवादित शख्स को चुना जिस पर मुस्लिमों के खिलाफ दंगा भड़काने के आरोप हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।